नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान जिले में रहने वाली एक युवती का पति गलत वारदात को अंजाम देने के मामले में जेल में बंद था और इसी बीच युवती का दूसरे युवक से अफेयर हो गया था और दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए थे। दो साल बाद पति जेल से छूटा है और उसके बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी के मोबाइल में उस युवक के साथ हुई आपत्तिजनक बातचीत के मैसेज पढ़ लिए थे। चैट पढ़ने के बाद पति बलवान खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने गुस्सा में होकर बताया जा रहा कि मगर घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि वह आहत हो गई थी और उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है और आज सीमा का पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पूरा मामला है जो झांसी से निकल कर आ रहा है और समरथर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। समरथर में बुढ़ेरा घाट के रहने वाले बलवान की पहली शादी 2012 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका पत्नी से तलाक हो गया था। 20 जनवरी 2020 को उसकी दूसरी शादी डबरा के पमाय गाँव की रहने वाली सीमा से हो गई थी और सीमा की भी यह दूसरी शादी थी। शादी के बाद एक गांव के एक युवती ने बलवान के खिलाफ गलत वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज करवाया और उसे 2 साल के लिए अंदर कर दिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2023 को वह बाहर आ गया था और 15 अगस्त की रात को ही उसने बताया जा रहा है कि मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक मैसेज देख लिए थे, जिसके बाद उसने कॉल लगाया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया था। इसी दौरान उसने उसके पिहर पक्ष को भी इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन उसने आहत होकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।